अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड वेलकम बैक टू फैमिलीज किचन। तो आज जो है हम बना रहे हैं श्रिम्प पास्ता। उसके लिए मैंने 100 ग्राम श्रिम्प्स लिए थे, ये कुछ वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, और पास्ता बॉईल किया। तो सबसे पहले हमने सॉस बनानी है। सॉस में हमें चाहिए सोया सॉस, ठीक है, और इसके अंदर मैंने एक आधा छोटा ग्रीन अनियन जो है उसे फाइनली चॉप करके डाल दिया, और मैंने दो गार्लिक क्लोव्स लिए थे यहाँ पर, जिसमें से एक जो है मैं सॉस में डालने लगी हूँ। अब इसके अंदर थोड़ी सी रेड चिली सॉस डाल रही हूँ मैं। और चिली फ्लेक्स हैं ये 1 टीस्पून। अब इसे मिक्स कर लें। और ये ब्राउन शुगर है 1 टीस्पून। अगर आपके पास ब्राउन शुगर नहीं है तो आप थोड़ी सी वाइट शुगर या थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं ऑयल डाल रही हूँ अपने पैन के अंदर। इसके अंदर मैं अपने 100 ग्राम श्रिम्प्स, ठीक है, इन्हें मैंने चॉप छोटा छोटा काट लिया, यानी कि ये डाल रही हूँ। और फिर जो हमने सॉस बनाई है सोया सॉस वाली, वो डाल देते हैं। और अभी हम इसके अंदर अपनी सारी जो वेजिटेबल्स हैं वो भी डाल देंगे। ये हम सारे ही अपने जो हमारे पास वेजिटेबल्स थी हमने डाल दिए। इसमें मेरे पास एक छोटा प्याज था, बंद गोभी थी अपनी मर्जी से जितनी मर्जी डालें, और गाजर थी छोटी आधी, शिमला मिर्च थी एक छोटी, एक गार्लिक क्लोव था, और बस। अब आपने ऐसा करना है कि इसके अंदर 1 कप दूध बग़ैर मलाई के, ये घर का दूध है, वैसे इसके ऊपर मलाई होती है, तो बग़ैर मलाई के ये डालें, और जो आपके वेजिटेबल्स और श्रिम्प्स हैं इसमें बॉईल होने दें। 5 मिनट के लिए जो है आप बॉईल होने दें वेजिटेबल्स और श्रिम्प्स, या श्रिम्प भी पक जाएंगे और वेजिटेबल्स भी जो आपके पक जाएंगे। ये मैंने ब्लैक पेपर डाली है 1/2 टीस्पून। ये देखें, ये वेजिटेबल्स और श्रिम्प्स जो अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं और पक चुके हैं। अब हमने इन पे थोड़ा सा क्रिस्पी इन्हें करना है, तो हम बग़ैर सॉस के, उसके नीचे आपने देखा होगा दूध है, उस सॉस को हमने छान लेना है, और जो ऊपर हमारे पास सारी वेजिटेबल्स और सारा श्रिम्प्स हैं उसे हमने निकाल के 2-3 मिनट के लिए तेज़ आंच पर फ्राई करना है एक पैन में। इस तरह जो श्रिम्प पर है वो कलर भी अच्छा आ जाएगा, और बॉईल करने की वजह से उसके अंदर जो वो फिशी स्मेल होती है, टेस्ट होता है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब इसके अंदर मैंने चाइनीज़ सॉल्ट डाला है 1/2 टीस्पून। इन्हें फ्राई होने दें 2 से 3 मिनट के लिए। अब ये देखें, जो हमारे पास नीचे ग्रेवी बची थी उसके अंदर मैंने 1 कप मलाई वाला दूध डाला, ठीक है, पहले वो मलाई के बगैर था, क्योंकि क्रीम मलाई क्रीम होती है तो उसका ज़रा टेस्ट भी अच्छा आएगा और उसका नूडल्स पे टेक्सचर भी अच्छा आएगा। तो 1 कप मैंने मलाई वाला दूध डाल के इसके अंदर 1/2 टीस्पून काली मिर्च डाली थी, और इसे हम जो है थोड़ी देर ये बॉयल आ गया इसे, तो जो स्पेगेटीज थी ये मैंने 1/2 पैकेट यूज़ किया था, जो कोल्सन की नूडल्स होती हैं स्पेगेटीज, उनका 1/2 पैकेट। और अब जो हमारा सारा मारा था फ्राइड जो
बैटर था उसे हम डाल देते हैं इसके अंदर और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़े की जो श्रिम्प पास्ता है, स्पेगेटीज हैं, वो रेडी हो चुकी हैं। और प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।